गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ओके, तो बेटे नेचुरल रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमें कि व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द रिसोर्स, व्हाट आर द रिसोर्सेज। हमारी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े रिजर्वर का काम करती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर प्रेजेंट। और बेटा रिसोर्सेज होते क्या है, हम कैसे डिफाइन करते हैं रिसोर्सेज को, तो बेटा रिसोर्सेज वो सारे सब्सटेंस जो एक ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ, फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शन एंड फॉर इट्स मेंटेनेंस ऑन द अर्थ। हमारी अपनी लाइफ के लिए हम क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट करते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमें नेसेसरी होती हैं सर्वाइवल के लिए, हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करने के लिए, उन सब को हम क्या नाम देते हैं, रिसोर्स नाम देते हैं। और वो सारे रिसोर्सेज हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। हम क्या देखते हैं बेटा कि वी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनरल्स, वी रिक्वायर्ड सोयल, required sunlight, we required air, we required water, and all of these are the resources which are present on the earth. अगर इनमें से मैं कुछ एक कंपोनेंट भी आपको ये कहूँगी, सपोज करो कि एयर अगर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो क्या ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल पॉसिबल है अर्थ पे? नहीं। अगर हम कहें कि वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? नहीं। अगर सनलाइट ना हो तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? तो भी नहीं। सोयल नहीं है तो क्या सर्वाइवल पॉसिबल है? तो भी नहीं। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेसेसरी होती हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उनको हम रिसोर्स नाम देते हैं। सो हाउ विल वी डिफाइन द रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कैसे डिफाइन करते हैं? रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज दे आर द रिजर्व स्टॉक ऑफ मटीरियल। रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज रिजर्व स्टॉक ऑफ मटीरियल, रिजर्व स्टॉक ऑफ मटीरियल्स विच आर रिक्वायर्ड, जो किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होंगे भाई, विच आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड सस्टेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सस्टेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सस्टेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उनकी स्पीसीज को एग्जिस्ट करने के लिए अर्थ के ऊपर जिन भी रिजर्व मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है दे ऑल आर कंसिडर्ड एज द रिसोर्स, ठीक है। एंड हमारी जो अर्थ होती है बेटा, अर्थ अर्थ के सारे रिसोर्सेज हैं, दे आर प्रेजेंट, तो हम क्या नाम देते हैं, अर्थ एक्ट एज रिजर्वोयर फॉर प्लेंटी ऑफ रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए ये रिजर्वोयर का काम करती है, गॉट इट। अगर हम इन रिसोर्सेज का एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करें, और वी कैन से कि जुडिशियस यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज मेक प्रॉपर सस्टेनेबल ऑफ दीज रिसोर्सेज, और वी कैन से इट विल हेल्प इन द मेंटेनेंस द बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अगर जुडिशियस यूज हो इज नेसेसरी फॉर बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो प्रॉपर बैलेंस है वो किस वजह से मेंटेन हो सकता है, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक प्रॉपर सही तरीके से क्या करें, यूटिलाइजेशन करें। अगर हम इनका रिसोर्सेज का मिसयूज करने लग जाएं तो बहुत सारे रिसोर्सेज बेटा अर्थ के ऊपर ऐसे होते हैं जो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज।
रिसोर्सेज को बहुत अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया गया। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि सनलाइट है उसको हमने बनाया नहीं, वो नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। वाटर है वो नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है, फॉरेस्ट है वो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है, सोयल है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट नेचुरली। तो ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा सिंथेसाइज किए गए हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, पेपर है, बैग्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ब्रिक्स हैं, ये सब चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स ने अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंस्ट्रक्ट किए हैं आर्टिफिशियली, दे आर नोन एज आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन हम इस चैप्टर में मेनली मेनली किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो सब मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड नेचुरली बाय द नेचर, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, ऑल ऑफ दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी आगे फर्दर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, कि वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं या अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। कुछ रिसोर्सेज बेटा ऐसे होते हैं जो बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर हम उनको अनलिमिटेड तरीके से यूज़ करें तो भी वो क्या ना हो, एग्जिस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, अब जितना चाहे सनलाइट को यूज़ कर लें, क्या ऐसा कोई दिन आएगा कि सनलाइट ख़त्म हो जाए, नहीं ना। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम क्या नाम देते हैं, नॉन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं अगर उनको एक सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उनको यूज़ नहीं किया गया तो फ्यूचर में हमें ऐसी कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं कि जब वो रिसोर्स हमारे अर्थ पे बचेंगे ना। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, अगर हम जिस तरीके से अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, मोर एंड मोर वुड की रिक्वायरमेंट हो रही है, मोर एंड मोर स्पेस की रिक्वायरमेंट हो रही है, और इस वजह से हमारे फॉरेस्ट को क्या किया जाता है, डीफॉरेस्टेशन होती है, हमारे फॉरेस्ट की कटाई होती है। तो एक ऐसा टाइम आ सकता है कि अगर हम इसी तरीके से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते रहे तो हमारे फॉरेस्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी अर्थ के ऊपर। और आपको बहुत अच्छे से पता है अगर हमारी अर्थ के ऊपर फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, तो ह्यूमन बींग्स का नहीं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगी, बिकॉज हमारे अर्थ के ऊपर एनवायरमेंट में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए प्लांट बहुत 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 ज़्यादा नेसेसरी है। तो इस तरीके से हमें वो रिसोर्सेज जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं लाइक फॉरेस्ट एंड वाटर, उनको एक प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उनका एक जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। और उसी के लिए हम मेनली स्टडी करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और वी कैन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल यूज़, कि वो रिसोर्स हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, कैसे हम उनकी आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी कमी को फेस ना करें, उसके लिए क्या क्या हमें ये कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बेटा एक ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं, और एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, जिसको हम रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स पढ़ेंगे। तो ऑल ऑफ दीज आर द टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन आर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, और वी कैन से मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं बेटा, ये जितने भी एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं और ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ऑल ऑफ दिस आर नेचुरल रिसोर्सेज। देखेंगे ऑल ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस विच आर
which are provided by nature, which are provided by nature and also necessary for survival of human beings and other living organism are known as natural resource. उन सब को हम क्या नाम देंगे? Natural resource नाम देते हैं बेटा. Natural resource में सारे के सारे plants आते हैं, सारे के सारे microbes आते हैं, जितने भी animals वो आते हैं. ये सब तो क्या हो गए बेटा? Living. इसके अलावा soil, water, sunlight, ये भी सब हमें किसने प्रोवाइड किए गए हैं? ये भी हमें नेचर के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं. मिनरल्स, कोयल पेट्रोलियम मिनरल्स एटसेट्रा, ऑल ऑफ दे आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल एंड दे आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर. दैट्स व्हाई यू कैन से दे आर इंक्लूड इन द नेचुरल रिसोर्स. और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं बेटा विच आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स. द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन टू फुलफिल देयर ओन डिमांड. उनकी खुद की डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने जो रिसोर्स, उन्होंने जो सब्सटेंस क्रिएट किए, उनको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. जैसे कि पेपर, प्लास्टिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, इनफैक्ट बिल्डिंग्स एटसेट्रा, ऑल ऑफ दे आर इंक्लूडेड इन द नेचुरल आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. तो ये तो किस ग्राफ में हमने क्लासिफिकेशन किया है, वो सब्सटेंस नेचुरली प्रेजेंट हैं या ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं. अब इसी ग्राफ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो फर्दर कितनी अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, लिमिटेड अमाउंट में है या फिर अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है. नेचुरल रिसोर्सेज को हमने फिर से क्लासिफाई किया है इन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड इन द टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन आर नोन एज इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन आर एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, अब हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा इन एग्जिस्टेबल और एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स को. बेटा इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स वो होते हैं जो अनलिमिटेड यूज के बाद भी डिप्लीट ना हो, अनलिमिटेड यूज के बाद भी एग्जॉस्ट ना हो. द रिसोर्सेज विच डू नॉट डिप्लीट मतलब खत्म ना हो, विच डू नॉट डिप्लीट और वी कैन से विच डू नॉट एग्जॉस्ट इवन आफ्टर देयर अनलिमिटेड यूज. अगर उनको बहुत सारे तरीकों से यूज किया जाए तो भी वो खत्म ना हो, तो उनको हम नाम देंगे इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज. जैसे कि सनलाइट, आप जितना चाहे उतना सनलाइट यूज कर सकते हैं. जैसे कि एयर, जितना चाहे उतना हम एयर को यूज कर सकते हैं. एंड वाटर, ये सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर द इनएग्जिस्टेबल रिसोर्स. हालांकि यहाँ पे वाटर वाला पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी आता है, क्योंकि हम सेव वाटर सेव लाइफ का स्टेटमेंट बहुत बार सुनते और देते हैं. अगर आप लोग ये सोच सकते हैं कि मैडम जब इनएग्जिस्टेबल है तो फिर हम सेव वाटर सेव लाइफ की बात क्यों करते हैं, वो डिपेंड करता है बेटा फ्रेश वाटर के ऊपर. हालांकि आप सबको पता है कि हमारे अर्थ पे 70% पार्ट है दैट इज कवर्ड बाय द वाटर. बट उस 70% वाटर में से जो टोटल वाटर का 97% पार्ट है वो मैराइन वाटर है, सॉल्ट वाटर है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते. सिर्फ 3% वाटर ऐसा है जो फ्रेश वाटर है. और फ्रेश वाटर में भी मैक्सिमम वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है?
आइस की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में वो हम तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो देर इज ओनली 0.1% वाटर विच इज यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। तो हम यहाँ पे जो सेव वाटर वाली बात करते हैं वो अपने अंडरग्राउंड वाटर की बात करते हैं, वो हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं जिस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं बेटा एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड, जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर हमने उसको अनलिमिटेड तरीके से यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टाइम के बाद डिप्लीट हो जाएंगे। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इफ दे आर यूज इन अनलिमिटेड वे, अगर उनको हम अनलिमिटेड वे से यूज करेंगे दे गेट एग्जॉस्ट, दे गेट डिप्लीट, और वी कैन से दे गेट डिप्लीट, और वी कैन से दे गेट एग्जॉस्ट, दैट मीन्स कि वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, और इसके साथ में ही कोयल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। ये रिसोर्सेस ऐसे हैं बेटा जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, अगर इनको एक सस्टेनेबल तरीके से यूज नहीं किया गया तो ये क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में भी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो दोबारा से बनाए जा सकते हैं, एंड कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, सपोज करो कि एक जगह पे फॉरेस्ट को खत्म कर दिया गया लेकिन वहाँ पे दोबारा से प्लांटेशन कर दिए गए, दोबारा से ट्रीज लगा दिए गए, तो कुछ टाइम के बाद 5-10-15 सालों के बाद दोबारा से वहाँ पे फॉरेस्ट बन जाएगा। इसका मतलब जिसको हमने डिप्लीट किया उसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते बेटा जो एक बार खत्म हो गए तो हम उन्हें दोबारा नहीं बना सकते, जैसे कि कोयल और पेट्रोलियम। आप लोगों ने सच में इसके बारे में सुना होगा कि जब प्लांट मटेरियल और मिनरल्स ये बहुत लंबे टाइम तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ की सेवरल थाउजेंड लेयर्स के नीचे बहुत हाई प्रेशर के ऊपर जब ये डिकम्पोज होते हैं तब वो धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर के बाद किसका में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कोयल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कोयल और पेट्रोलियम को इतना इजीली सिंथेसाइज नहीं कर सकते कि हमने कुछ प्लांट्स को लिया, उसको मिट्टी में दबा दिया और सो कोयल और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन हो गई। दिस इज नॉट सच एन इजी प्रोसेस एंड सच काइंड ऑफ रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन ए टाइम ड्यूरेशन दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दैट्स व्हाई वी कैन से एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज आर फर्दर ऑफ टू टाइप। कौन से रिसोर्सेज बेटा? एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज आर फर्दर ऑफ टू टाइप, जिसमें से फर्स्ट आता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड सेकेंड वन इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? द रिसोर्स विच कैन मेंटेन देमसेल्फ बाय रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद इन ए रीजनेबल टाइम। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं? द रिसोर्स विच कैन रिसाइकल एंड विच कैन रिसाइकल एंड रिप्लेस देमसेल्फ विद इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के दौरान जो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या नाम देंगे, रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज में बेटा क्या क्या आते हैं, आप एग्जांपल दे सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड विद इन ए टाइम, कैसे डिफाइन करेंगे? द रिसोर्स विच
कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्फ बाय रिसाइक्लिंग और रिप्लेसमेंट, उनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते. एंड दे मे गेट एग्जॉस्ट, और फ्यूचर में दे मे गेट एग्जॉस्ट इन फ्यूचर. सच काइंड ऑफ रिसोर्स आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. कॉमन एग्जाम्पल बेटा क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में? कोयल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द रिसोर्सेज. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, आप लोग सब देख के बता सकते हैं कि कौन से रिसोर्सेज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल यूज की. तो ये वाले जो रिसोर्सेज होते हैं ना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको सबसे ज्यादा खतरा होता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल ही ना रहे. तो बहुत जुडिशियस यूज, बहुत सस्टेनेबल यूज हमें इन रिसोर्सेज का करना चाहिए जो फ्यूचर में क्या होने के खतरे कंडीशन पे हैं. एग्जॉस्टेबल जो रिसोर्सेज हैं उनमें भी मेनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. हालांकि ये वाले रिसोर्स फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी बहुत सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए. बिकॉज अगर हमने एक टाइम पे ऐसा कर दिया कि एक टाइम पे पूरे के पूरे फॉरेस्ट डैमेज हो गए, हालांकि 10 साल बाद वो दोबारा से रीग्रो हो जाए, बट जस्ट ड्यूरेशन में फॉरेस्ट अर्थ के ऊपर नहीं रहेंगे, उस टाइम पे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं. बहुत सारा हार्मफुल एनवायरमेंटल पोल्यूशन फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो हमें फेस करनी पड़ सकती है, लाइक ड्रॉट, क्योंकि रेनफॉल है वो भी फॉरेस्ट की वजह से पॉसिबल होता है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में और हमारे नेचर के बीच में जो एक प्रॉपर बैलेंस है वो इन सब चीज़ों की वजह से बना हुआ है. अगर ये रिसोर्सेज चाहे कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए खत्म हो गए तो हमें बहुत डेंजरस एडवर्स इफेक्ट इनके फेस करने पड़ सकते हैं. आज प्रेजेंट टाइम पे जितनी भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी है, जो भी हमें मतलब एडवर्स कंडीशन फेस करनी पड़ रही है, उनका रीजन कहीं ना कहीं क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन. और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मेजर यूज क्या है? जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते चले जाएंगे हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन उतना ही फेस करना पड़ेगा. और अगर एनवायरमेंट हमारा एडवर्स तरीके से चेंज होता है तो डायरेक्टली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को अफेक्ट करता है. ठीक है, अब इसके बाद ये तो इस वीडियो में हमने मेनली नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स. इसके बाद हम नेक्स्ट इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में फर्दर थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे. इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.